तो आज हम बात कर रहे हैं आपके साथ पिवट टेबल। पिवट टेबल के बारे में बात करेंगे। पहले जानते हैं पिवट टेबल होता क्या है। पिवट टेबल जो है, पिवट टेबल से पहले हम जानते हैं कि रिपोर्ट क्या होता है। अगर रिपोर्ट की डेफिनेशन दी जाए तो रिपोर्ट की डेफिनेशन क्या होगा। तो रिपोर्ट की जो डेफिनेशन है वो है समरी ऑफ द डेटा। हम कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं तो उसका मेन जो होता है क्या होता है, समरी ऑफ द डेटा होता है ना। अगर मान लीजिए आपने ईयरली रिपोर्ट बनाया तो आप सेल्स को ईयर वाइज समरी करते हैं या मंथ वाइज समरी करते हैं। समरी के अलावा बाकी और भी कैलकुलेशन वगैरह निकालते हैं, लेकिन मेन स्ट्रक्चर तो समरी ही होता है। क्या बरखा जी? हेलो, करेक्ट से करेक्ट। अगर हम डेटा की डेफिनेशन बोले तो डेटा है क्लब ऑफ द इंफॉर्मेशन। पिवट टेबल की डेफिनेशन माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है कि वी कैन यूज द पिवट टेबल फॉर एनालाइज द डेटा, समराइज द डेटा, रिप्रेजेंट डेटा। तो एनालाइज, समराइज और रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा का यूज होता है। सिंपल से कह सकते हैं कि हम पिवट टेबल से डेटा की समरी निकालते हैं। और ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि आपके ऑफिशियल होने वाले काम में, रिपोर्ट में, करीब 50-60% में पिवट टेबल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है या इन्वॉल्व किया जा सकता है। तो पिवट टेबल निकालने से पहले हम सबसे पहले क्या चीज जानेंगे, सबसे पहले आपकी डेटा को समझना होगा। डेटा में देखिए कोई हेडिंग मिस्टेक तो नहीं, हेडिंग ब्लैंक तो नहीं है, क्योंकि हेडिंग ब्लैंक होगा तो पिवट लगेगा ही नहीं और हेडिंग से ही आगे बढ़ता है, इसलिए हेडिंग अच्छी जरूरी है, नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा। फिर बात करते हैं कि डेटा में कोई ब्लैंक रो तो नहीं। अब ब्लैंक रो इसका मतलब पिवट नहीं लगेगा, ऐसा बात नहीं, लगेगा, लेकिन आप डेटा सिलेक्ट करके पिवट लगाइएगा, क्योंकि बिना सिलेक्ट के लगाएंगे तो जितना जो आपका ब्लैंक रो या ब्लैंक कॉलम है उससे पहले ही लग जाएगा, जो कि हम सिलेक्शन मेथड में आपको बताए थे, करेंट रीजन, वो करेंट रीजन के सिस्टम को फॉलो करता है। अब डेटा को समझिए, डेटा क्योंकि डेटा की एनालिसिस कर रहे हैं, डेटा पे डेटा को समराइज कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि डेटा आखिर है क्या, डेटा क्या है। अगर इसका पता नहीं कर पाते हैं तो सॉरी मैं म्यूट हो गया था। तो पिवट डेटा को समझिए, जो डेटा है वो है नेम, सिटी, कोर्स, क्वांटिटी, ये अमाउंट है और मंथ है और डेट, सिंपल से डेटा है। मतलब कि कौन सा कोर्स कितनी क्वांटिटी में किस अमाउंट पे किस महीने में किस डेट को, किस महीने का, ये महीने का हो गया डिलीवरी महीना हो गया और ये आपका सेल्स डेट हो गया, और किस पर्सन ने परचेज किया, सिंपल सा, कुछ खास इसमें है नहीं। अब छोटा डेटा क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ऑफिस में इतना छोटा डेटा तो होता नहीं, ऑफिस तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेटा होता है ना, लेकिन छोटा डेटा मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि आप जो है जल्दी इफेक्ट को समझ सके, बड़े डेटा में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है इसलिए। अब इसको हम सिलेक्ट करके इंसर्ट में पिवट टेबल पे क्लिक करें। पिवट टेबल क्लिक करने के बाद यहाँ और कुछ नहीं करना, जस्ट ओके कर दीजिए, एक नई सीट ऑटोमेटिकली इंसर्ट होती है और ये आपका पिवट टेबल एरिया होता है और ये आपके पिवट टेबल के फिल लिस्ट है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि आपकी हेडिंग ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, बोलने के पर्पस यही था, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना हेडिंग्स है, हेडिंग को ही पिक करता है, इसलिए हेडिंग को ब्लैंक नहीं रखना चाहिए। कई बार तो पिवट लगता नहीं है पुराने वर्जन में, नए वर्जन में लगता भी है तो यहाँ पे फील्ड 1, 2, 3 ऐसे दिखा देता है, इसलिए इग्नोर कीजिए। अब मुझे चाहिए क्या रिपोर्ट, आपने पिवट तो लगा लिया, अब मुझे इस फील्ड को इन चारों में रखना है, और कैसे रखना है वो डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या है, आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मुझे इस डेटा से सिंपल से इंफॉर्मेशन चाहिए कि कौन सा कोर्स कितनी क्वांटिटी में सेल हुआ है, सिंपल।
तो हम कोर्स को उठा के रो में रख देते हैं। आप रो में ही क्यों रखेंगे, क्योंकि रो में रखते ही आपके जितने भी कोर्स का लिस्ट है रो वाइज आ जाता है टॉप टू बॉटम। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, डेटा में मेरा कोर्स कई बार रिपीटेड है बट पिवट टेबल के लिस्ट में सिर्फ एक बार आएगा। उसके बाद अब बात करते हैं कि यहाँ हमने रो में ही क्यों रखा, कॉलम में क्यों रखा। जी हाँ, कॉलम में भी आप रख सकते हैं, पर लेफ्ट टू राइट जाएगा फिर टॉप टू बॉटम जाएगा। तो टॉप टू बॉटम सही रहेगा ताकि प्रिंट आउट वगैरह निकाल सके, इसलिए टॉप टू यहाँ पे रो में रखते हैं। उसके बाद हम क्वांटिटी को उठा के कहाँ रखेंगे, वैल्यू में, जिसका सम करना है, जिसका सम काउंट मिनिमम मैक्सिमम करना है। अब क्वांटिटी का बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सम आ गया। क्यों सम आया, क्योंकि डेटा में क्वांटिटी का जो कॉलम डेटा जो कंटेन कर रहा है वो कर रहा है नंबर्स, टेक्स्ट नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है नंबर्स कर रहा है, इसलिए यहाँ पे टोटल आया। अगर टेक्स्ट होता तो काउंट आता। हालांकि आप यहां जो साइड में एरो की है उस पर क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके अपनी कैलकुलेशन को चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है क्या हम वैल्यू में और कुछ रख सकते हैं, अमाउंट का अगर टोटल निकालना हो। जी हाँ, अमाउंट का टोटल निकालना है तो वो भी आप रख सकते हैं, रो में आपको रखना है वो भी रख सकते हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल हम क्वांटिटी को ही लेते हैं। अब रो लेवल आ रहा है, यहाँ तो कोर्स होना चाहिए था ना, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब चेंज किसको किसको कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ जो वैल्यू है उसको कर सकते हैं, सम ऑफ द क्वांटिटी है उसको हम टोटल सेल्स में कन्वर्ट कर लिख सकते हैं। तो ये जो चेंज कर रहे हैं ना, हमारा डेटा चेंज हो रहा है, पिवट में नहीं, ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे टोटल सेल्स किया तो डेटा में जाके क्वांटिटी टोटल सेल्स हो गया। तो कभी भी डेटा को एडिट नहीं करता है, और डेटा से लिंक होता है लेकिन पूरी तरह से लिंक नहीं होता है, हम इसे भी डिस्कस करेंगे आगे। अब बात करते हैं इसकी फॉर्मेटिंग, क्योंकि हम रिपोर्ट किसी को भेजेंगे तो ऐसे ही उठा के तो नहीं भेज देंगे, इसको थोड़ा बहुत फॉर्मेट करें। तो यहां हम इसका यूज करते हैं, तो यहां से जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग है वो नॉर्मल फॉर्मेटिंग तो आप कर ही सकते हैं, जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नॉर्मल फॉर्मेटिंग आप कर देंगे और कल के डेट में डेटा इंक्रीज होगा। इंक्रीज कैसे होगा, जैसे डेटा में आप नई डेटा नीचे पेस्ट करेंगे या इसी को चेंज करेंगे, जब रिफ्रेश करेंगे तो जब कोर्स बढ़ेगा तो नीचे आएगा। तो आपने जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग किया, जब बॉर्डर लगाया तो बॉर्डर आपने 3 to 12 तक लगाया ना, अगर 13 में कोई डेटा आ जाता है, 14 में कोई डेटा आ जाता है तो वो तो पिवट पिवट से कोई लिंक तो नहीं है ना, हाँ कि हाँ पिवट से इसकी लिंकिंग है तो चलिए नहीं होगा, क्योंकि पिवट से तो कोई लिंक है नहीं। ओके, इसलिए हम जो है सलाह देते हैं कि पिवट टेबल पे क्लिक करते ही ऊपर में आपके सामने दो नया टैब आ जाता है, पहला आता है पिवट टेबल एनालाइज, दूसरा होता है डिजाइन। जब डिजाइन टैब में जाते हैं तो पिवट टेबल स्टाइल का यहाँ टैब दिखेगा, यहाँ साइड में जो दिख रहा है इस पे आप क्लिक कीजिए, क्लिक करते ही क्या होगा, बहुत सारे प्री डिफाइंड फॉर्मेट आएंगे। ठीक है, बहुत सारे प्री डिफाइंड फॉर्मेट आएंगे। अब उस प्री डिफाइंड फॉर्मेट को आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करें, आप जैसे सिलेक्ट करेंगे आपका फिल्टर, आपका जो फॉर्मेटिंग है उसी हिसाब से होता चला जाएगा और एक पार्ट ऑफ द पिवट होगा। कल के डेट में अगर आपका पिवट का डेटा इंक्रीज होता है तो ये अपने आप को इंक्रीज कर लेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं सर हम लोग चार्ट भी बना के भेजते हैं, जी हाँ पिवट टेबल पे चार्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पिवट टेबल एनालाइज में जाए, ये देखिए पिवट चार्ट हुआ, क्लिक करते ही अपने हिसाब से जो चार्ट चाहिए वो ओके कर दीजिए और चार्ट को मूव करके अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के बाद चार्ट के भी डिजाइन है और इसके भी स्टाइल्स हैं, जो स्टाइल आपके लिए सुटेबल लगे उस स्टाइल को सिलेक्ट कीजिए। अब आपका रिपोर्ट रेडी है, लेकिन रिपोर्ट तो ऐसे हम भेजते नहीं है, हमें रिपोर्ट में क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता टाइटल, क्योंकि तो रिपोर्ट क्या है कैसे पता चल रहा है। तो हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं और अरेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से और यहाँ पे लिख देते हैं टोटल
और यहां हम लिख देते हैं कोर्स टोटल नंबर ऑफ कोर्स सेट इन 2021 और ये आपका बोल्ड कर, यहाँ पे इसको बैकग्राउंड करना है बैकग्राउंड कर दीजिए और इसको बड़ा करना है। तो फॉर्मेटिंग तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, पेज लेआउट में जाइए। अब आपका रिपोर्ट बनके रेडी हो गया, अब मुझे इसको भेजना है, ठीक है। तो अब डेटा भेजना नहीं चाहते, जाहिर सी बात है डेटा भेजने के पीछे दो रीजन है। पहला रीजन है कि आपका जो डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल है, शेयर नहीं कर सकते। दूसरा, ऐसा हो सकता है कि जो डेटा आप भेज रहे हैं वो बहुत बड़ा हो, लार्ज स्केल पे हो, सामने वाला बंदा के पीछे मैंने मेल पे आया नहीं आया मेल बॉक्स में, क्योंकि मेल बॉक्स की तो लिमिटेशन होती है ना। तो कोई बात नहीं, आप सीट के ऊपर राइट क्लिक करें, मूव एंड कॉपी करें, और यहाँ से क्रिएट कॉपी करने की जरूरत नहीं है। क्रिएट कॉपी करेंगे तो यहाँ पे एक कॉपी रह जाएगा, नहीं करेंगे तो ये मूव हो जाएगा, ये मूव हो गया। मूव होने के बाद इस फाइल को सेव कीजिए और भेज दीजिए। अब बोलेंगे सर डेटा तो यहीं पे रह गया, अभी बढ़ चल जाएगा। देखिए, जब प्योर टेबल लगता है तो डेटे के साथ लिंक होता है, लेकिन वो फॉर्मूला वाली लिंक नहीं होता कि आपने यहाँ चेंज करके एंटर मारा और इसके जहां लिंक है वो चेंज हो गया। वो क्या करता है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता है अपने बैकेंड। अगर मैं ये फाइल क्लोज कर देता हूं यहां से सेव करके, तो फिर भी ये वर्क करेगा ना। देखिए, अगर मैं मान लीजिए सिटी रख देता हूं या कुछ रख फिल्टर रख देता हूं, देखिए वर्क कर रहा है ना, क्योंकि इसने अपने अंदर डेटा, इस पर डबल क्लिक कर दीजिएगा तो पूरा डेटा एक अलग सीट में आ जाएगा। अब बोलेंगे सर डबल क्लिक करने से डेटा तो आ रहा है, फिर कैसा होगा? तो उसके लिए हमें पिवट टेबल को मूव करने से पहले पिवट टेबल के ऑप्शंस के अंदर डेटा के अंदर सेव सोर्स डेटा फाइल को हटा दीजिए, अनेबल सो डेटा हटा दीजिए। अब ना डबल क्लिक करने पे डेटा आएगा ना चेंज होगा, लेकिन अभी तो आ चुका है ना डेटा, आपको मूव करने से पहले ऐसा करना चाहिए। समझे सर? प्रखा जी, पिवट टेबल का अटेंशन समझ में आ गया? यस सर। चलिए, अब पिवट टेबल पे हम बैक होते हैं। मैं एक बार फाइल दोबारा ओपन करता हूं। तो फर्स्ट स्टेज हमने पार किया समराइजेशन में, तो कैसे पिवट टेबल को समराइज करेंगे, हमने इसकी क्लियर कर लिया, ठीक है। अब बात आती है कि और क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पिवट टेबल वापस लगाता हूं। जैसे अब इसके कुछ जो ट्रिक्स हैं, कुछ जो नियम है वो जान लेते हैं। आपने यहाँ कोर्स को रख दिया और आपने यहाँ अमाउंट को यहाँ पर रख दिया, अमाउंट को रख दिया, ये आपका टोटल आ गया। मैं चाहता हूँ कि मुझे सिटी वाइज कोर्स का टोटल दिखे, तो सिटी को उठा के आप कॉलन फिल में रखेंगे, ये आपका मैट्रिक्स फॉर्मेट में आ जाएगा। मैट्रिक्स फॉर्मेट समझते हैं ना, रो एंड कॉलम। मैट्रिक्स फॉर्मेट समझ में आया ना सर? लेकिन मैट्रिक्स फॉर्मेट में प्रॉब्लम क्या, दिक्कत हो सकती है? प्रकाश जी समझाएंगे दिक्कत क्या हो सकती है, कैसे सर? ये जो अभी रिपोर्ट हमने बनाया है इसमें दिक्कत क्या हो सकती है आगे चल के? नहीं आइडिया लग रहा है। मैंने कीजिए, अभी आपके पास सिटी तो क्या है, कितना 7-8 सिटी है ना, 9 सिटी है ना। अगर मान लीजिए कि इंडिया में तकरीबन 500 सिटी से ऊपर है, 500 सिटी अगर हुआ तो क्या लग रहा है कि ये रिपोर्ट देखने में सही लगेगा? ये 500 तक यहाँ आगे तक बढ़ता चला जाएगा, मतलब कॉलम्स आगे बहुत विजुअली इतना वो नहीं लगेगा। जी हाँ, क्यों? क्योंकि हमारा हम जो रिपोर्ट देखते हैं टॉप टू बॉटम देखना ज्यादा पसंद करते हैं, लेफ्ट टू राइट में थोड़ी सी दिक्कत होती है। क्या
इसलिए आप मैप वगैरह देखते हो तो ऊपर से नीचे की तरफ होता है ना, लेफ्ट राइट तरफ होता है मैप मोबाइल में। आप देखिए मैप को लिए, मैप क्या होगा आपका, ऊपर से नीचे की तरफ होगा। तो ये प्रॉब्लम होती है कि अगर हम यहाँ पे कॉलन में उसी फील्ड को रखते हैं जो फील्ड आपका एक लिमिटेड काउंट में है, एक स्मॉल काउंट में, अगर बड़ा काउंट हुआ तो उसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्मेट में रखते हैं, उसको टेबल फॉर्मेट में रखते हैं इस तरह से। तो इसमें एक फायदा होता है कि आप यहाँ टेबल एनालाइज पे जाएंगे तो ये आपको ये देखिए कोलैप्स और एक्सपेंड, तो कोलैप्स पे क्लिक कीजिएगा तो ये रिपोर्ट आपका कोर्स वाइज हो जाएगा। अब मुझे BI किस किस सिटी में सेल हुआ है देखना है, तो जैसे इस प्लस पे क्लिक करेंगे देखिए आपका आ गया। ठीक है, तो ये आपका समरी ऑफ द समरी कह सकते हैं, इस तरह से ग्रुपिंग हो जाती है तो एक देखने में अच्छा लगता है। लेकिन वही है कि इस तरह की रिपोर्ट हम कब भेजते हैं, जब आपका रिपोर्ट जो है, आपका जो रिपोर्ट है पिवट टेबल में जाता है। लेकिन आपकी रिपोर्ट पिवट टेबल में नहीं जाता है, नहीं जाएगा, तब क्या होगा? अगर रिपोर्ट आपका पिवट टेबल नहीं जाएगा तो जनरली क्या होता है कि हमने क्या बोला, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पिवट टेबल इन्वॉल्व होता है। तो हमने समरी निकाल लिया, समरी निकालने के बाद इसको हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे और अमाउंट के साथ और भी बहुत सारी फॉर्मूला और कई सारी चीज यहाँ पे हम डालेंगे। क्या सर? तो उस समय अगर मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया तो पता चल रहा है कि सिटी कौन सा है और ये कौन सा है, आपका कोर्स कौन सा है, पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है ना। तो मुझे रिपोर्ट चाहिए कि पहली सिटी में हमारा कोर्स, पहले कॉलम में कोर्स हो, दूसरे कॉलम में सिटी हो, तीसरे कॉलम में अमाउंट हो। तो उस केस के लिए हम क्या करेंगे, डिजाइन के अंदर रिपोर्ट लेआउट आपको दिखेगा। इस रिपोर्ट लेआउट के अंदर यहाँ आपको दिखेगा टेबलर फॉर्म, हालांकि आप इसको शो आउटलाइन फॉर्म भी कर सकते हैं, बट टेबलर फॉर्म जनरली हम लोग करते हैं। तो क्लिक किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक्सेल हो गया, यहाँ पे एक्सेल ट्यूटोरियल आ गया, यहाँ पे VV आ गया, देखा? तो इस तरह से बन गया और यहाँ पे इसके सब टोटल आ गया। अब मैं सब टोटल नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सब टोटल से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, सब टोटल नहीं चाहता हूँ। तो इस पर राइट क्लिक करके जो सब टोटल दिख रहा है इसको अनचेक कर दीजिए, आपका सब टोटल रिमूव हो जाएगा। ओके, सब टोटल यस रिमूव सर। हो गया और यहाँ ए एक्सपैंड और प्लस जो है ए भी वर्क कर रहा है, आपको ए भी नहीं चाहिए तो यहाँ एनालाइज में ये आपको दिखेगा प्लस माइनस स्लैश माइनस का बटन दिख रहा है, क्लिक कीजिए हट जाएगा। अब रिपोर्ट सही है, लेकिन क्या होता है कि अगर मैंने इसको कॉपी किया, अब यहाँ भी प्रॉब्लम है, पेस्ट एज वैल्यू करते हैं, उसमें क्या होता है कि जब इसको हम सिलेक्ट करके, इसको हम सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एल करके फिल्टर लगाते हैं, मान लीजिए तो फिल्टर में मैंने अगर एक्सेल को सिलेक्ट किया ना यहाँ पे एक्सेल को, तो एक ही सिर्फ पुणे का आएगा, जबकि एक्सेल जो है ये पूरा है ना, यहाँ तक है ना, तो नहीं ले रहा है। लेकिन पिवट में ऐसा दिक्कत नहीं होती, पिवट में आपने अगर एक्सेल सिलेक्ट किया तो एक्सेल और एक्सेल से रिलेटेड सारा चीज आएगा। तो अगर पिवट में रिपोर्ट किसी को भेज रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, इट्स वर्क। लेकिन पिवट में रिपोर्ट जल्दी बताया आपको कि हम लोग जो है 20-25% रिपोर्ट ही पिवट में भेजते हैं, बाकी को हम कैलकुलेट करके भेजते हैं, वहां दिक्कत है। तो वहां दो चीजें की जा सकती है, पहली हम इसको नीचे तक इस तरह से दिख रहा है आपको, नीचे तक जो है मैं इसको इस तरह से ड्रैग कर, बट जाहिर सी बात है ना एक एक करके करना तो पॉसिबिलिटी नहीं है जब आपके पास 100-150 हो। तो इसके लिए पिवट टेबल के अंदर ऐसा ऑप्शन है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये लेटेस्ट वर्जन का ऑप्शन है, 13 ऑनवर्ड होगा तभी होगा, आपके पास 2007 वगैरह होगा इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। तो कहाँ है ऑप्शंस? तो ऑप्शंस है आपके डिजाइन के अंदर, डिजाइन, और डिजाइन के अंदर आप जाएंगे तो ये दिखेगा रिपीट ऑल आइटम लेबल, रिपीट ऑल आइटम लेबल। जब इस पे क्लिक करेंगे नीचे की तरफ तो आपको यहाँ दिख रहा है, कुछ लोग क्या करते हैं जो बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में अगर ब्लैंक होगा तो थोड़ा सा रिपोर्ट में और बेटर होगा, तो
तो यहां से आप इंसर्ट ब्लैंक लाइन भी करेंगे तो हर एक के बाद एक एक ब्लैंक लाइन ऐड हो जाएगा। समझे प्रकाश जी, सिलेंदर जी? यस सर। सचिन जी? यस सर। डाउट? नो सर। अब इसमें हम चाहते हैं इसको वापस सही करना, तो रिमूव कर दीजिए, यहाँ पे डू नॉट रिपीट कीजिए। बहुत सारे लोग रिपीट नहीं करते हैं, मर्ज करते हैं। मर्ज जानते हैं ना, यहाँ से मर्ज करते हैं। तो मर्ज करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शंस के अंदर में हमारे यहाँ दिख रहा होगा मर्ज एंड सेंटर। क्या दिख रहा है? मर्ज एंड सेंटर। हमने इसको क्लिक किया और देखिए ये आपका मर्ज हो गया। हो गया मर्ज सर? तो मर्ज कर सकते हैं। और जैसे कि हमने बोला कि हम जिस पे डबल क्लिक करेंगे हमें उसका डेटा एक अलग सीट पे आ जाता है। तो ये देखिए इस तरह से डेटा अलग सीट पे लाया जा सकता है। ओके, तो पिवट टेबल में हमने समराइजेशन कर दिया। समराइजेशन कर लिया, अब बात करते हैं हम आपके साथ ग्रुपिंग, सॉर्टिंग, मूविंग के मेथड। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सॉर्ट। अगर मुझे डेटा को सॉर्ट करना तो राइट यहाँ पे जिस पे सॉर्ट करना है उस पर राइट क्लिक कीजिए, सॉर्ट, सॉर्ट ए टू जेड और जेड टू ए, अमाउंट पे कीजिए सॉर्ट, हाईएस्ट टू लोएस्ट, लोएस्ट टू हाईएस्ट, ये आपको नॉर्मल राइट क्लिक करके सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट में कोई बड़ी बात यहाँ नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है जब आप सॉर्ट करते हैं तो वो अल्फाबेटिक जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने हिसाब से करना होता है। जैसे मैं चाहता हूं कि जो हमारा डैशबोर्ड का कोर्स है सबसे ऊपर हो, लेकिन शॉर्टिंग में पॉसिबल तो नहीं है ना। इस केस में हम करेंगे मूव, इस केस में मूव करेंगे। तो कैसे मूव करेंगे, हम इसको यहां से यहां डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे और यहां इस तरह से ऊपर की तरफ, समझे? या राइट क्लिक करके भी मूव का ऑप्शन है। मूव में आप बिगनिंग, अप, डाउन, एंड वगैरह आराम से कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से कॉलम को भी किया जा सकता है कि अगर मान लीजिए कि मंथ को हमने कॉलम में रख दिया, मैं चाहता हूं कि भाई पहले जनवरी आ जाए, तो जनवरी पे क्लिक कीजिए और यहां से इस तरह से जनवरी आ जाएगा, फरवरी आ गया, फरवरी ले सकते हैं। इस तरह से आप उसको मूव कर सकते हैं। मूव के बाद हम बात करते हैं फिल्टर की। देखिए इसमें जो फिल्टर होते हैं बेसिकली तीन तरह के फिल्टर होते हैं। पहला हम बात करते हैं रो फिल्टर, मतलब कि ये डेटा दिख रहा है, मैं चाहता हूँ इसमें एमएस ऑफिस का डेटा ना दिखे, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप एमएस ऑफिस को सेलेक्ट करके कीजिए, आपका डेटा नहीं दिखेगा। जैसे नॉर्मल फिल्टर में बहुत सारे कंडीशंस है, ऐसे यहाँ भी है। लेवल फिल्टर, तो ये आपका ये लेवल के अकॉर्डिंग चलेगा। वैल्यू फिल्टर मतलब इसके अकॉर्डिंग चलेगा, तो दोनों एक ही होता है यहाँ पे। तो लेवल फिल्टर में जैसे इक्वल, डज नॉट इक्वल, बिगेन विथ, does not begin with, end with, contain, does not contain, less than, between, not between, दिख रहा है सर? ये आपके level पे चलता है। ऐसी value पे, ये आपकी जो value है, value पे चलेगा आपका। तो value पे जाके जैसे मैंने यहाँ पे डाल दी top 10 में, मान लीजिए top 3 कर दिया, enter press कीजिए तो top 3 यहाँ आएगा। ये आपके हो गए filter। अब इसमें एक चीज और भी होती है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने सिटी को इसके नीचे रख दिया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका फिल्टर आ गया। तो हर कॉलम का अलग अलग फिल्टर आपको दिखेगा। फिल्टर सिर्फ किसका नहीं दिखेगा, जो वैल्यू फील्ड में आपने रखा है उसका फिल्टर नहीं दिखेगा। अगर आप कॉलम में रखते हैं तो यहाँ देखिए एक कॉलम का फिल्टर हो गया और ये आपका कोर्स का फिल्टर। जैसे मैं चाहता हूँ कि एमयूजेट का डेटा मुझे ना दिखे, तो आप जाइए और यहाँ से एमयूजेट को अनचेक कर दीजिए, डेटा नहीं दिखेगा। और यहाँ भी इसके भी वैल्यू फिल्टर और नंबर फिल्टर से, इसको आप ट्राई करके देखिएगा, ये नॉर्मल है। फिर बात करते हैं पेज फिल्टर की।
जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा रिपोर्ट ओवरऑल रिपोर्ट पे फॉर्क, क्योंकि मैं यहाँ पे करता हूँ तो कॉलम पे इफेक्ट पड़ रहा है, यहाँ पे करता हूँ तो रो पे इफेक्ट पड़ रहा है। बोथ ऑफ इफेक्ट करने के लिए बोला जाता है फिल्टर, मतलब कि पेज फिल्टर। जैसे कि मैंने मंथ को उठा के रख दिया यहाँ पे फिल्टर, अब यहाँ से अगर मैंने जैन को सिलेक्ट कर लिया तो पूरा रिपोर्ट हमारा जैन के अकॉर्डिंग होगा। अच्छा एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ ब्लैंक में आपका इस तरह का ब्लैंक हो रहा है, तो आप ब्लैंक में पिवट टेबल ऑप्शन पे जाके ब्लैंक के लिए जीरो या कोई ऐसा ऑप्शन यहाँ ले सकते हैं। हो गया इस तरह से। ओके तो एक से ज्यादा भी लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको एक से ज्यादा नेम डालना है तो इसके अंदर नेम डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा जैन और यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा आपका पूजा मोहन, तो उसका रिपोर्ट यहाँ दिख जाएगा। तो इस तरह से आप शॉर्ट फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर के बाद हमने शॉर्टिंग समझ ली, मूविंग समझ ली, फिल्टर। अब बात करते हैं ग्रुपिंग। ग्रुपिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि मैंने नेम वाइज यहाँ पे टोटल लिया हुआ है, नेम वाइज माफ कीजिएगा, हाँ सिटी रहने की कोई दिक्कत नहीं, नेम रख देते हैं। तो नेम में यहाँ पूजा है, पूजा सिंह है, और पूजा और पूजा सिंह दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है, क्योंकि डेटा के अंदर में शॉर्ट नेम फुल नेम था, इस कारण से ऐसा हो गया है। तो हम कंट्रोल को प्रेस करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, दोनों पूजा को सिलेक्ट किए, राइट क्लिक और यहां कर देते हैं ग्रुप। जैसे ग्रुप करेंगे दो चीज होगी, यहां आप देखेंगे नेम और नेम टू आ गया, और यहां आपका जो पूजा पूजा सिंह है उसके आगे ग्रुप लग गया। तो अभी जो मोहन टोटल ये सब टोटल आ रहा है, तो ये टोटल को चाहो तो यहाँ से हटा दीजिए और ग्रुप में मैं यहाँ पे लिख देता हूं ऑल पूजा, ठीक है। और ये नेम को यहां से रिमूव कर दीजिए, आपका यहाँ पे दिख जाएगा। ये तो थी टेक्स्ट फिल्टर, सिलेक्ट कीजिए और फिल्टर से टेक्स्ट ग्रुपिंग सिलेक्ट कीजिए और ग्रुप कर लीजिए। अब अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है आपका नंबर का। जैसे मैं देखना चाहता हूं कि किस क्वांटिटी के बीच में कितना सेल हुआ है, तो क्वांटिटी रख दिया, तो 10 क्वांटिटी जो सेल हुआ है वही हुआ है, 11 क्वांटिटी की जो बिलिंग हुई है वो 5,566 हुई है, 12 क्वांटिटी के देखिए 1,150 हुआ है, 13 क्वांटिटी 2,451 हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूँ दोनों का ग्रुप, एक स्लैब चाहता हूँ, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो ये नंबर्स में है, इसमें टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम ऑटोमेटिक आ जाएगा, आप यहाँ पे अपने हिसाब से डाल सकते हैं नंबर। और यहाँ बाय डिफॉल्ट 10 है, तो 10 के जगह पे जो डालना चाहिए डाल दीजिए, स्लैब आपका बन जाएगा। तो 10 से 19, 20 से 29, 29 से 39, 39 से 10 से नीचे नहीं था इसलिए नहीं आया, और 100 के ऊपर नहीं था इसलिए नहीं आया, होता तो लेस देन 10 और लेस देन 100 दिखा देता। इस तरह से आप नंबर ग्रुप कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रुपिंग में डेट की, टाइम की। तो टाइम ग्रुपिंग भी बहुत अच्छी तरह से इसमें होता है। जैसे मैंने डेट को लिया और रो में डाल दिया, तो मंथ वाइज ईयर वाइज इस तरह से ग्रुप हो जाएगा। लेकिन राइट क्लिक करके मैं इसको कर देता हूं यहां से अनग्रुप, और यहां मैं अपना क्वांटिटी सिटी जो देना चाहते हैं, क्वांटिटी का देखिए काउंट आ रहा है ना, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके काउंट के जगह पे मैंने सम ले लिया, तो ये आपका सम आ गया। फिर यहाँ पे मैं ग्रुप करता हूँ, तो मेरे पास कई सारे ग्रुपिंग है, जैसे कि सेकेंड, मिनट, आवर, डेज, मंथ, क्वार्टर, ईयर। तो मंथ सेलेक्ट करेंगे तो मंथ हो जाएगा, क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे तो क्वार्टर हो जाएगा। तो जो सिलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन मुझे 15-15 दिन का गैप चाहिए, तो डेज को सिलेक्ट कीजिए, सिर्फ एक से ज्यादा भी कर सकते हैं आप, मंथ और क्वार्टर भी इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन मुझे 15 दिन का गैप चाहिए। तो मैं यहाँ पे मंथ को हटाया, डेज को ले लिया, और यहाँ देखिए जैसे सिर्फ डेज सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे नंबर्स आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 15 डाल दिया एंड ओके कर दिया। अब देखिए एक डेट आपका ग्रुप में डेट आ गया, समझ गए सर? एक बार इसको ईयर करेंगे, ईयर ये इसमें बेसिकली ईयर नहीं होगा क्योंकि एक ही साल का डेटा है ना, इस ईयर में एक ही 2000 आपको दिखाएगा। अगर मल्टीपल ईयर का डेटा होता तो आपको देखिए दिखा, और एक ही साल का इसे 2022 दिखा दिया। और कहीं कहीं बार ये वो क्यों होता है, मतलब डिम होता है, ये जो आपने एक्सरसाइज दी
थी उसमें जो जहां पे आपने बोला था डेटा शो करना ईयरली, हमारे पास मंथली था, तो उसमें आपने इंसर्ट कैलकुलेटेड फील्ड करके किया था। आपका डेटा मैट्रिक्स फॉर्मेट में, आपने ध्यान नहीं दिया था, आपका डेटा किसमें था, मैट्रिक्स फॉर्मेट में था, मतलब आपका मंथ जो था इस तरह से टॉप टू बॉटम में लेफ्ट टू राइट था। तो जो समरी होती है कॉलम की समरी होती है ना, फील्ड तो फील्ड हो गया ना, फील्ड बाय फील्ड समरी थोड़ी होती है, समझे? राइट। जैसे यहाँ ये इस तरह का डेटा है ना आपका जैन फैम माप, इस तरह से था। अच्छा, अब आपको हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं पिवट टेबल से रिलेटेड, तो प्रैक्टिस करके उस क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर, समझे? ओके। एक मिनट। देखता हूँ मैं, जैसे मेरा ड्राइव से डिलीट हो गया है, नहीं। तो हमने कुछ क्वेश्चंस कुछ दिन पहले बनाए थे एक बैच के लिए, टेबल टेस्ट, हाँ यही देखिए, कुछ को डेटा है और ये कुछ क्वेश्चन, चार क्वेश्चन है, ठीक है ना? अब डेटा को समझ के, क्वेश्चन को समझ के आपको बना के मुझे भेजना है, राइट? मेरा आईडी हो गया बरखा, चर्चिल जी की आ गई, सुरेंद्र जी आपकी आईडी क्या है, सीए वाली ना? सर मेरी नहीं आई, आपको ऑटो सजेस्ट कर देगा, ठीक है? ये बना के मुझे भेजिए, फिर कल हम बात करेंगे पिवट टेबल की कैलकुलेशन के। ओके ओके सर।